आप जानते हैं 2001 साल में 13 दिसंबर हमारे नया पुराने जो पार्लियामेंट हमला हुई थी, अच्छा हमला वर्ष थी, और सुबह हम लोग वो शहादत जो दिए थे हमारे पार्लियामेंट भवन को बचाने के लिए, वो शहीदों की स्मृति पे हम पुष्पार्घ भी दिए हैं, पुष्पार्पण किए हैं, हमारे प्रधानमंत्री से लेके वाइस प्रेसिडेंट आप सब हम थे, मैडम सोनिया गांधी मल्लिका जी सब थे हम। आज ही शहर इत्तेफाक से यहां भी हमला हुई, मानते हैं उस समय हमला एक प्रकार की थी, आज हमला दूसरी प्रकार की है, लेकिन बात तो यह है कि ये हमले वर्ष में इससे की घटना कैसे घटी। Okay. इसमें क्या साबित होते हैं कि हम जो सावधानी जो बरतना चाहिए था वो सावधानी हम नहीं बरतते। Okay. दूसरी बात सर ये बात है कि देखिए, और एक आज बड़े दिलचस्पी के साथ बड़ी हिम्मत के एक कहने में अच्छा लगता है कि ये तो शख्स को सर हमारे सारे एमपी ने दबोच लिया, सारे हमारे एमपी ने निडर होकर हमारे सारे एमपी ने उनको दबोच लिया था। और तीसरी बात यह है सर हमारे जो पार्लियामेंट की जो सिक्योरिटी है सर, अपने जो सिक्योरिटी जो निहत्ते वो पुराने सदन को बचाने में सफल हुई थी, वो निहत्ते हमारे लोग आज कमी दिखाई दे रहे हैं सर। ओके ओके, ये दिल्ली पुलिस कहां से आ गए, लेकिन हमारे निहत्ते जो सदन के हमारे छोटे मोटे ऑफिसर थे वो कहां गए? ये सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा का प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न है कि इतने बड़े सिक्योरिटी में कैसा दो लोग अंदर आकर वहां पर सिक्योरिटी ब्रीच करके उन्होंने पूरा जैसा कि एक सेकेंड प्लीज, द मोमेंट आई केम टू नो अबाउट इट I called the director of security. I told him to give me an update. The update which he gave me at that point of time, I have shared with the house. It is a matter of concern, but let us await full details, and then I think we'll be able to reflect. जो विपक्ष का रवैया है, वो मुझे लगता है देश को एक संदेश देने का होना चाहिए कि देश में हम सब बबूता के लिए एक साथ खड़े हैं। जो लोकसभा में भी एक्शन हुआ वो उन्होंने उन्हीं के कारण, उन्होंने इस विषय को गंभीरता से लेने के बदले हाउस चलने नहीं दिया। मैं समझता हूँ राज्यसभा हाउस ऑफ एल्डर्स है, हमने एक मैसेज देना चाहिए कि ये देश की क्षमता, ये देश की ताकत इन सब चीजों से उठकर है, और हाउस जरूर चलना चाहिए। हम सब सदस्य हाउस चलने के पक्ष में है, और मुझे लगता है कि कांग्रेस इसका पॉलिटिसाइजेशन जो कर रही है ये देश के लिए अच्छा संदेश नहीं होगा। मेरा अनुरोध है माननीय लीडर ऑफ ऑपोजिशन से, इंक्वायरी चल रही है, इंक्वायरी के लिए वेट करना चाहिए हमें, और सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चालू रखना। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बाकी बैठिए।